नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बिजनेस आइडिया लेके, सोप बिजनेस आइडिया जो कि हमारा एक प्रोफेशनल बिजनेस चल रहा है अभी और जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम नई तरीके की एक सोप बना के लेके आए हैं आपके लिए और बनाने जा रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और अभी मैं आपको सोप का सैंपल दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो साबुन का बिजनेस है अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये बिजनेस आप थोड़े से पैसे लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, घर पर स्टार्ट कर सकते हैं, महिलाएं बच्चे कोई भी इसको स्टार्ट करके मार्केट में इजीली सेल कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर डोर टू डोर मार्केट करके कैसे भी आप इसको बेच सकते हैं। कोई झंझट वाला बिजनेस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है और मार्केट में आपको इसका जो रॉ मटेरियल है वो 120 रुपये किलो या 130 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाता है। वो इंडिया में अलग अलग जगह के अलग अलग रेट हैं, हो सकता है कहीं 110 रुपये या 100 रुपये के आसपास भी आपको मिलता हो, लेकिन आप अपने मान के चले तो पर पीस जो साबुन की कॉस्ट है वो 12 से 13 रुपये आती है। अगर आप 100 ग्राम की साबुन बनाते हो तो आप 75 ग्राम की साबुन बनाइए, कॉस्ट कम आएगी और इजिली बिक भी जाएगी। तो दोस्तों हमने आज एक बनाई है साबुन जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साबुन है, इसके आर पार भी आपको रोशनी है वो दिख जाएगी, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और बहुत ही मस्त बिकती है और बहुत ही मस्त लगती है देखने में और बहुत ही गजब की साबुन है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसके आर पार भी, अगर आप लाइट से रोशनी डालोगे ना तो आपको ना इसके आर पार दिखेगा। ये देखिए, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, इस प्रकार से है ना इसके अंदर से भी लाइट क्रॉस हो रही है, देखिए साबुन चमक रहा है पूरा। ये देखिए मोबाइल की लाइट है, ये अभी पूरा साबुन के अंदर से लाइट क्रॉस हो रही है। ये देखिए मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा, साबुन के अंदर से लाइट क्रॉस हो रही है, ये देखिए पीला पीला कलर दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, आपको ट्रांसपेरेंसी है वो दिख जाए, थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दोस्तों मेरी इधर वाली जो फिंगर है वो आपको दिख रही होगी हिलती हुई, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट साबुन है, इसके आर पार दिखता है दोस्तों और दिखने में बहुत ही गजब की साबुन लगती है। और इसकी पैकिंग होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही गजब का लुक आया इसका, इसको हम करने वाले हैं पॉली के अंदर पैकिंग और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, लाइव आपको जवाब थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलेगा जरूर, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेफालतू के क्वेश्चन हमसे ना करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, जितना आपको जो चीज़ पूछनी है कृपया उसी टाइप का वही मैसेज डालें जिसका कि हम इजीली आपको उत्तर दे पाएं। अगर आपको इस मटेरियल की किट लेनी है तो किट आपको पता ही है मिल जाती है, 1000 रुपये की किट है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप पर आप ऑर्डर करो, ऑल इंडिया डिलीवरी है, 1 kg माल आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये ले लिए हमने सोप बेस और ये हमने लिया है परफ्यूम जो कि लेमन का है और ये हमने लिया है कलर, येलो कलर लिया है और ये लिए हमने 2 सोप मोल्ड, ये ओवल वाला है और ये लिया हमने कढ़ाई। तो हम आज टोटल 4 चीज़ों से जो है साबुन बनाने वाले हैं और कुछ नहीं डालने वाले, टोटल ही 4 चीज़ें लिए हमने, कलर, परफ्यूम, सोप बेस और मोल्ड। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। सबसे पहले हम लेंगे सोप मोल्ड को, सोप मोल्ड को डालेंगे हम कढ़ाई के अंदर और फिर इसको रखेंगे स्टोव पर। तो ये देखिए हमने सोप बेस है वो कढ़ाई में डाल दिया है और अभी हम चलेंगे स्टोव पर। तो फ्रेंड्स हम इसको स्टोव पर ले आए हैं, यानी गैस चूल्हे पर हमने इसको रख दिया है और हमने गैस को कर दिया है ऑन और अभी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये लगभग 10 से 12 मिनट में जो है मेल्ट होकर रेडी हो जाएगा। तो तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना बने। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इसको आराम से मेल्ट कर लेना है। अगर आप डबल बॉइलिंग विधि से इसको गर्म करते हो तो और भी अच्छा है, अगर आपके पास डबल बॉइलिंग का सिस्टम नहीं है तो आप इस प्रकार से भी इसको गर्म कर लीजिए। और ये हमने कलर ले रखा है यहाँ पर और ये आ गया हमारा फ्रेग्रेंस लेमन का, तो अभी ये मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ा सा समय और लेगा। ये देखिए ये लगभग पूरा मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें डालने वाले हैं कलर जो कि हमारे पास येलो कलर है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर उतना ही डालूंगा कि सोप है वो हमारी पूरी ट्रांसपेरेंट बन जाए।
और ज़्यादा कलर डालने से वो क्या है कि फिर ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा हल्का कलर डालने वाला हूँ जिससे कि हमें पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेग्रेंस, आप किसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं। मैं इसमें लेमन का डाल रहा हूँ क्योंकि हमने येलो बनाई है, तो मैं लेमन ही इसमें डालूंगा। तो ये हमने फ्रेग्रेंस इसमें ऐड कर दिया है और अभी ये हमारा लगभग मेल्ट हो चुका है, पूरा रेडी है। मैं थोड़ा सा कलर इसमें और ऐड करना चाहूँगा। कलर का आपको विशेष ध्यान रखना है, कलर आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ज़्यादा कलर डालने से कलर जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ये पूरा रेडी हो गया है, अभी हम जो है इसको लेके चलेंगे सोप मोल्ड की तरफ और वहाँ जाकर जो है इसको सोप मोल्ड में डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा साबुन है वो जमकर रेडी हो जाए। ये बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई भी कढ़ाई हो चलेगा। तो अभी हम आ गए हैं सोप मोल्ड के पास और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वीडियो पूरा अच्छे से दिखे, इसलिए मैं थोड़ा अलग साइड से इसको कढ़ाई को ले लेता हूँ। और फिर इसके अंदर हम डालने वाले हैं ये सोप बेस जो कि हमारा अभी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो आपको कपड़ा वगैरह लेके ही इसको उतारना है, ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको सोप मोल्ड में निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का सोप मोल्ड, कोई भी डिज़ाइन का आप ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सोप मोल्ड आते हैं। और इस प्रकार से आप आराम से बिल्कुल भी सिंपल तरीके से इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको निकाल लेना है आराम से। इस प्रकार से आपको आराम से निकालते जाना है। मैं इसमें दोनों टाइप की साबुन बनाऊंगा, दोनों मोल्ड में डालूंगा मैं। तो इसको ऊपर से जो भी झाग वगैरह आए इसके ऊपर, मलाई वगैरह, वो आपको एक साइड कर देनी है, थोड़ा बहुत आता है इसके ऊपर। ये हमारा लगभग निकल गया है, अभी इसमें जो मलाई वगैरह है वो मैं एक में निकाल लूँगा। और दोस्तों हमेशा मैं घर पे यही साबुन यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा साबुन होता है वैसे ये, इसके अंदर मार्केट से ये बहुत बढ़िया होता है अगर आप मार्केट से कंपेयर करें तो। और अगर आप देखें तो मार्केट में पियर्स साबुन आता है जो कि बहुत कॉस्टली आता है, ये सेम उसी प्रकार का साबुन है। तो दोस्तों हमने 1 घंटे इसको छोड़ दिया था, अभी ये हमारा साबुन जमकर रेडी हो गया है। ये देखिए, वाह, बहुत ही गजब का साबुन बनाया है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट साबुन है। ये देखो अंदर से मेरी जो उंगली है आर पार दिख रही है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से निकल भी जाता है और ये आपका सोप मोल्ड है ये भी ख़राब नहीं होता कभी भी, ये ऐसा ही रहता है। इस प्रकार से हम आराम से इसको निकालते जाएंगे और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे इसका जो पैकिंग है वो किस प्रकार से कर सकते हैं आप इसको डिब्बी के अंदर या फिर पॉली पैकिंग कर सकते हैं। और पैकिंग मटेरियल भी इसका आपको 1000 से 1500 के बीच में ये मिल जाता है, मशीन और पॉलीथीन दोनों मिला के मिल जाता है। डिब्बी वगैरह लें तो आपको रेडीमेड डिब्बियाँ भी मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का साबुन बना है, ये देखिए क्या शाइनिंग है ये साबुन की। मार्केट में यही साबुन आप लेने जाओगे तो 50 रुपये से कम नहीं मिलती आपको। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साबुन है, आर पार दिखाई दे रहा है पूरा, हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में साबुन बना लिए। देखिए अभी ये यूज करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए हम इसका उपयोग करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पानी के पास और ये देखिए, ये मैंने अपने हाथों पे इसको लगाया है, झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही कमाल का जो इसकी फिनिशिंग है। और ये देखिए दोस्तों, इस साबुन का ये भी खासियत है कि आप बॉडी पे लगाओगे तो बॉडी के बाद में जो कुछ साबुन लगाने से बॉडी रुखी रुखी हो जाती है हमारी त्वचा, वो इससे नहीं होती रुखी त्वचा। तो अभी हम इसको करने वाले हैं पैकिंग, तो आप देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से पैकिंग होती है। ये आप अपने हिसाब से पॉलीथीन ले सकते हैं कोई भी, मार्केट में पैकिंग वाली मिल जाएगी पॉली पैकिंग, तो हमारे पास ये है। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको पैक कर लेते हैं ताकि ये ख़राब ना हो और मार्केट में लेके जाएं तो ये थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आए इसकी। ये देखिए
ये इस प्रकार की पॉली पैकिंग आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये सीलिंग मशीन भी आपको 1000 से 800 रुपये के बीच में मिल जाती है। बहुत ही आसान तरीका है पैक करने का, भी कोई झंझट वाला काम नहीं है। ये देखिए बहुत आसानी से आप इसको पैकिंग कर सकते हो और मार्केट में इजीली इसको सेल कर सकते हो। आप लोकल मार्केट में करें या होलसेल में करें, कहीं भी आप इसको है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको मार्केट के लिए, बाकी ये गजब का बिजनेस आइडिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए।